माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में नल्लाल है। वैसे हमारी ये संस्था से पहले से भी जुड़े हैं, काफ़ी सारे ट्रैक से होकर के एक लाइफ आदमी की गुजरती है, कभी कुछ अच्छा मिलता है, फिर बीच में मूड कुछ चेंज होता, नहीं अच्छा मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं इसलिए ये एक्सपीरियंस आप लोगों को साथ कर रहा हूँ काम, क्योंकि किसी कैंडिडेट का कोई एक्सपीरियंस जब आपके साथ जुड़ता है तो वो ये बताता है कि शायद हमारे साथ भी कभी ऐसा हो तो हमें किस तरीके से उन हालातों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। जब एक बंदा अपने परिवार के साथ होता है, उसकी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी होती हैं, और उस परिस्थिति में उसके साथ अगर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है, बट उन परिस्थितियों में भी आप एक अच्छी सोच से लेकर के चलते हैं तो परिवर्तन दिखाई देता है। ये वीडियो इसलिए डाले जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं डाले जाते कि यूट्यूब में संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव का एक प्रमोशन मिल जाए। शायद मैंने यूट्यूब चैनल प्रमोशन के लिए बनाया भी नहीं था, लोगों को जानकारी के लिए बनाया है, नहीं तो उसके लिए बहुत वीडियो एडिटिंग ग्रीन और दो चार पूरी टीम लगा रखी होती, लोगों को जानकारियाँ भी सही मिले और कई लोग उन परिस्थितियों से निकल भी पाए। कंसल्टेंसी का अलग अनुभव और यहाँ की संस्था का अलग अनुभव रहा है। इनको मैंने शुरुआत में जब इन्होंने कभी गड़बड़ किया, नहीं बोला, अच्छे प्यार नहीं से नहीं बोला, तो उनको पोलाइटनेस के लिए डांटा भी, यहाँ तक डांटा है, उसके बाद भी इसने डांट में खराब रिएक्ट नहीं किया, वो यही खड़ा भी रहा। ये लोगों को सीखने की जरूरत है। कई लोग मैं देखता हूँ आज के जो पैदाइशी में है, अगर कोई इनको मेंटर और टीचर कुछ खराब बोल दे तो हमें लगता है कि उसी को कौन सुना दे और जरूरत पड़ जाए तो सब छोड़ छाड़ भी थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मतलब छोटी सी बात में कभी कभी उन्हें ज़्यादा डांट दिया तो भी उसके बाद रिएक्ट नहीं करे, दोबारा से आए, विश्वास से आए और अपनी उन चीज़ों में सुधार किया, उनमें से ये कैंडिडेट हैं। ये अपना अनुभव यहाँ का शेयर करेंगे, संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव कैसे काम करती है, इनकी ज्वाइनिंग चूँकि अभी मोहनी में जब दोबारा से हुई, बीच में इनको एक बिजनेस मॉडल पे जाना पड़ा सिचुएशन में घर की वजह से, और उसके बाद में ये दोबारा से इनको नजर आएगी नहीं, हमें दोबारा से वापस आना चाहिए, तो ये अपनी स्टोरी खुद बताएंगे, अपने तरीके से बताएंगे। उसमें फायदा होता था नहीं तो इसकी चक्कर में मुझे वहां से छोड़ के घर आना पड़ा। बिजनेस में इनको नजर आया कि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दे रहा है, वो नहीं कर पाए तो उससे निकल गया। तो मेरे पास जो है 15-20 लाख रुपए हो कि भाई हम 15-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस बड़ा करें, बिजनेस करें, छोटे बिजनेस में आज के समय में सर कुछ नहीं है। अगर आप देखते हैं कि मतलब 10 पैसे 5 पैसे से ज्यादा जो है एक एक चीज में फायदा नहीं है कुछ में, और 10 पैसे 5 पैसे में हम दिन भर में कितना बेच के जो है कमा लेंगे उसमें जो है। देखिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ज्वाइनिंग के बाद इन्होंने बिजनेस बीच में किया, बस ये बिजनेस जब कर रहे तब हमसे मिलने नहीं आए, नहीं तो इतना हम सब इनको बता चुके होते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम लोग के पास में बहुत सारे लोग अलग अलग आते हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, खुद के अनुभव भी है, तो मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ था। चलो अच्छी बात है, दोबारा से इनको रिवाइवल मिला, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि इससे मिला है। अपने पुराना एक्सपीरियंस जो तुम्हारे शब्द हो संस्कार सोसाइटी के लोगों को शेयर करो, मोटिवेट करेंगे उनको यहाँ के लिए, और लोगों की कंसल्टेंसी और चीज़ों में जो अंतर है यहाँ के बारे में पूरा बताओ। कंसल्टेंसी और यहाँ के बारे में बहुत अंतर है सर, वजह है इसकी कि क्योंकि कंसल्टेंसी जो होती है वो केवल बस पैसे लेगी आपसे, उसके बाद बताती है नहीं बताती है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन यहाँ एक जो है तरीके से यहाँ जो भी आता है वो उसको अगर यहाँ पे कुछ भी लग रहा है रजिस्ट्रेशन का जो भी लगता है पैसे, तो आप मतलब कम से कम आप हैं तो एक जिम्मेदारी बना के रखते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र का हाथ थाम के रखता है उस तरीके से आप भी हैं, कि मतलब आपको एक लगता है कि नहीं सामने वाले बंदे को हमें दिलाना है दिन नौकरी किसी तरीके से। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा यहाँ का एक्सपीरियंस कि अगर हमारा अगर हम कोई सर के पास मतलब वैकेंसी कोई भी आती थी तो हमारे पास फ़ोन भी किया है सर ने, खुद फोन करके, यहाँ मोहिनी के लिए सर ने खुद फोन करके हमसे मांगा था नंबर कि अपना नंबर मतलब अपना रिज्यूमे सेंड करो और हम वहाँ सेंड कर रहे हैं। तो ये चीज कंसल्टेंसी और यहाँ के मतलब यही अंतर है सबसे ज्यादा, कि आप किसी तरीके से आपकी कोशिश रहती है कि दिला दे सामने वाले को, इससे बात की वो बहुत पड़ा रहता है, तो ये इनको अंतर समझ में, और यहाँ की ट्रेनिंग में भी तुम्हें कुछ फायदा मिलता है। हाँ ट्रेनिंग में यहाँ की ट्रेनिंग से ही तो मतलब समझ लीजिए मुझे तो एक्सेल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, यहाँ की ट्रेनिंग से मुझे इतना आज नॉलेज हो गया है कि अच्छी से अच्छी जगह पे भी मैं जाके बढ़िया से बढ़िया निकाल सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए इन्होंने दो पॉइंट्स बहुत अच्छे कहे और लोग समझ सकते हैं कि एक तो मैंने आपसे कहा कनेक्टिविटी और अपनापन जब फील नहीं होगा, और इस दर्द को कैसे समझ सकते हैं, आप ये हो हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो जिसके हाथ में जॉब जब नहीं है, घर के खर्चे हैं, टेंशन में है, ये दर्द जब तक कोई महसूस करता रहेगा उसको लगेगा इसके लिए ज्वाइनिंग कराई जाए। लेकिन ये लोगों की भी खास बात क्या है, देखिए कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हमारे यहाँ से हुई है, वो नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, फेथ नहीं है, बार बार आए नहीं है। ये लोगों के साथ में ये एक अच्छी बात है, और हमारे यहाँ से अभिषेक सर शाम को से लेकर रात को 10:30 पे ऑफिस छोड़ते हैं,
10:30 पे मुझे नहीं लगा कि इतने सालों में कभी 10:30 के पहले वो ऑफिस गए, यहाँ गए पहुँचे हों घर पे। वो इसीलिए क्योंकि जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे किया है उन सबको पहुँचा पाए। हाँ, जिन लोगों का फ़ोन नहीं उठता है, जिनका बार बार रिप्लाई नहीं आता है, उनको भी सर उठा करके फ्रीज करके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि इनको हम 4-5 बार के बाद में कॉल नहीं करेंगे। बट इन लोगों का रिप्लाई आया, फ़ोन किया, जवाब आ रहा है, आगे ये बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए काम करने में मजा आता है। पता है सर, आज के समय में अगर आपके पास अर्निंग नहीं है ना, तो समाज में क्या आपके परिवार में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये समझिए। आज के डेट में अगर आपके पास अर्निंग नहीं है, अगर आप समझिए कि अगर डेली 100-200 रुपए हम कमा के 5-6 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये महीने अगर कमा के हम सोचते हैं कि मतलब परिवार में इज्जत वो रुतबा पा लेंगे परिवार में चाहे समाज में, तो वो नहीं आप कर सकते हैं आज के समय में। ये बिजनेस मॉडल के झटके से जब आए हैं तो उनको रियलिटी भी कुछ समझ में आई है, क्योंकि मुझे देख के मैंने देख लिया ये चीज़ अब करके। तो इसीलिए लोगों को अर्निंग और डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचने चाहिए, और उनके भविष्य के इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आगे बढ़े और इनके अंदर परिवर्तन भी किया। और आप सबके लिए भी एक उदाहरण है, सीखिए समझिए। वैसे इनके बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई जा सकती थी कि मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया कि एक लोगों को इंस्पिरेशन मिले और संस्थाओं को सही मायने में सही तरीके से केवल सोशल मीडिया के 2-4 चीज़ों से मत समझिए, मिलिए, जानिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका अपना अनुभव खुद आपके लिए एक नई स्टोरी बनाएगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई सोर जॉब.com। थैंक यू।